13 अप्रैल को पंचायती राज मंत्रालय के आइकॉनिक वीक के तहत दूसरे तकनीकी सत्र में बाल हितेशी ग्राम पंचायत की अवधारणा पर विशेषज्ञों ने अपने विचार रखे और प्रस्तुतीकरण दिया। इस सत्र में बाल कल्याण और संरक्षण की दिशा में बेहतर कार्य करने वाली पंचायतों ने अपने अनुभवों को प्रेजेंटेशन और फिल्म के माध्यम से साझा भी किया। श्री सुनील कुमार, सचिव पंचायती राज मंत्रालय। So as to bring the focus on quality education, outcomes of education, children should not only be spending time in schools, they should be enjoying their time in school. Shri J.P. Pandey, Nideshak, School Shiksha evam Saksharta, Shiksha Mantralay. Education, like Sustainable Development Goal by UN, talks about inclusive education, inclusive and equitable quality education to all. So this is directly related to Ministry of Education. Shri Yasumasa Kimura, Country Head, UNICEF. Towards the better life outcomes, better nutrition and health, better education and the protection of all children, we are equally committed to amplifying the voice of children in policy, governance and the decision. श्री ह्यून ही बान, चीफ सोशल पॉलिसी यूनिसेफ इंडिया। हमारी पंचायत बाल अनुकूल है, सो दिस इज अ विजन। सो थैंक यू चिल्ड्रन फॉर बीइंग हियर एंड दिस इज रियली द हाइलाइट ऑफ टुडे, हैविंग द चिल्ड्रन फ्रॉम द 5 स्टेट्स, वी आर रियली थ्रिल्ड। इस सत्र में बाल पंचायत सरपंचों ने अपनी पंचायत क्षेत्र में बाल कल्याण की दिशा में किए जा रहे प्रयासों और बाल पंचायत की संरचना और संचालन के बारे में बताया। सुश्री काजल चांदुराले गांवकर, बाल पंचायत अध्यक्ष, महाराष्ट्र। मैं पिछले 4 सालों से बाल पंचायत सरपंच हूँ और मुझे इस दौरान बहुत कुछ सीखने का और ग्राम विकास में भाग लेने का मौका मिला। 2018 में यूनिसेफ और महाराष्ट्र राज्य की पहल से हमारे गाँव में बाल स्नेही पंचायत उपक्रम की शुरुआत हुई। पहले तो मेरे गाँव के बच्चों ने मुझे बिन विरोध सरपंच चुना और बच्चों का प्रतिनिधित्व करने के लिए मेरे अलावा उपसरपंच और सदस्य का भी चुनाव किया। साथ में ही हमने 4 समितियों की स्थापना भी की, जिसमें शिक्षण, पोषण, आरोग्य और बाल संरक्षण समितियों का समावेश होता है, जो ग्राम पंचायत के साथ काम करती है और वहाँ अपने विचार और समस्याएं भी रख सकती है।